अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर गिरी कैंपस से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम काम करेंगे उर्दू की किताब का। आज हम उर्दू की किताब का करेंगे सफ़ा नंबर 11। सबसे पहले आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे। अब हम इबारत पढ़ेंगे। पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले हम इन अल्फाज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर याद करने के बाद हम इनको लिखना सीखेंगे। चलिए शाबाश मेरे साथ पढ़ें। ग ओ गो ल आला गोला, ज आ जा ग ओ गो जागो, र ओ रो क ओ को रोको, ल ओ लो ह आ हा लोहा, म ओ मो ट आ टा मोटा, म आ मा न ओ नो मानो। अब हम पूरा लफ्ज़ पढ़ेंगे। गोला जागो रोको लोहा मोटा मानो। गोला जागो रोको लोहा मोटा मानो। इनको अच्छी तरह से याद करने के बाद अब हम इनको लिखना सीखेंगे। गो ला गोला, जा गो जागो, रो को रोको, लो हा लोहा। मो ता मोटा, मा नो मानो। इसी तरह से आप भी प्यारा प्यारा लिखेंगे। ये आपने हल्के रंग की लाइन पर लिखना है, डार्क लाइन पर नहीं लिखना। हर बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। पहले हम अल्फाज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। गोला जागो रोको लोहा मोटा मानो। ये हमने पहले भी अच्छी तरह से याद किए थे। अब हम इनके हरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे ये देखें। ग ओ ल आ गोला। देखिए ये सब इसके हरूफ अलग अलग हो गए हैं ना, तो फिर भी ये क्या है, गोला। इसी तरह से आपने बाकी सब अल्फाज के हरूफ को भी अलग अलग करके लिखना है। हर हर्फ के नीचे दूसरा हर्फ आना चाहिए। इस तरह से आपका काम बहुत प्यारा होगा। आपने अपनी बुक्स ख़राब नहीं करनी, काम को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।